खाना नहीं पूरा हो रहा, जो 2-3 हजार कमाने वाला उसका नहीं हो रहा, तो जो 1,000-1,500 कमाने वाला उसका कहाँ से होगा? मंडी वाले महंगा बेचेंगे तो छोटे दुकानदार भी महंगा ही बेचेंगे। 3,000 भी नहीं है, 3,000-3,500 रुपए वो बिल नहीं पूरा कर सकता। अब ये बिल दूं, स्क्रीन डलवाऊं, क्या करूं? ये मांगने वाला ही है, और कोई ऑप्शन कोई नहीं है। कार्ड डला हुआ है, 3-4 मरतबा हॉस्पिटल में भी गया, वो भी नहीं सुनते। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूं फाज शहबाज खान। अब आप लोगों के पास जब जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इदारा शुमारियात जो है उसने बताया है कि शरह जो महंगाई की है वो सिंगल डिजिट हो गई है, तो वो पूछते हैं कि हम इसका क्या करें? वो कह रहे हैं कि हम 900 रुपये अगर कमा रहे हैं तो या तो आप बताइए कि जो चीज़ हम ख़रीद रहे थे वो उसमें 50% कमी आ गई है तो फिर हमसे बात कीजिए, अदरवाइज़ वो बताते हैं कि हम आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। उनसे वजह पूछी जाती तो वो कहते नहीं पढ़ाते क्योंकि हम कमाएं खाएं उनको खिलाएं नवाला या पढ़ाएं। तो इस तरह के मसाइल आपको फेस करना पड़ते हैं, लोग परेशानी में अपनी जो बातें हैं वो जब शेयर करते हैं तो उसमें अग्रेशन भी आ जाता है, गम गुस्सा भी आ जाता है, मायूसी भी आ जाती है, और वो बताते भी हैं कि उन तक कोई पहुंचता भी नहीं है। तो फिर लोगों से ही जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं और क्या बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। तो सही कह रहे थे बुजुर्ग, मुझे बताएं क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज राजू। इजाज भाई क्या राजू? हाँ जी। राजू बन गया जेंटलमैन? जेंटलमैन नहीं बनूंगा, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कहाँ जेंटलमैन बनूंगा। नहीं ना राजू, राजू ने इधर तो इधर तो सियासतदान नहीं छोड़ेंगे हमने। क्या धंधा है राजू का, क्या करते हैं? टेलीग्राफ का काम करता हूँ। क्या खूबसूरत काम है। लेकर क्या नई ताजी क्या? एक चीज बात बताऊँ आपको, 5 महीने हो गए मेरा कारोबार बंद हुआ है इन हालातों की वजह से। क्या हुआ? अपना चौक ग्वालमंडी में मेरी दुकान है, बंद पड़ी हुई है, मटेरियल इतने महंगे हो गए हैं, कहा से पैसे प्रोवाइड नहीं करता तो कारोबार कहाँ से करेंगे हम? ये सियासतदान है हमारे। हुआ क्या है बड़ी साहब, इतना आप राजू भाई इतना क्यों आप गुस्से में और आप इतना ज्यादा? रोटी नहीं पूरी हो रही मेरे भाई, खाना नहीं पूरा हो रहा, जो 2-3 हजार कमाने वाला उसका नहीं हो रहा, तो जो 1,000-1,500 कमाने वाला उसका कहाँ से होगा? अब देखो सुबह आके इधर देखो आप, मजदूर बैठे हुए बेचारे, किसी के पास काम ही नहीं है। ऐसे सियासतदानों को हमने क्या करना है? ये तो अल्लाह की जात ही है, हमारे मुंह में लुकमा जा रहा है। इस तरह के लोग होंगे तो कुछ नहीं होगा हमारे मुल्क में। आप बच्चे कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे 1 बेटी है। पढ़ा रहे हैं? 2 बच्चे छोटों को पढ़ा रहा हूँ, बड़े जो उनको काम में लगा। सर्कल कैसे चला रहे हैं जो आप इंडिकेट भी कर रहे हैं, जो बता भी रहे हैं बार बार? मैं बात बता रहा हूँ, मैं दुकान बंद कर दी हुई है, मैं किसी के पास काम कर रहा हूँ, अभी छुट्टी करके आ रहा हूँ उधर से। फनकारी से आपने मजदूरी पे चले गए सीधा? हुनर है हमारे हाथ में, हुनर छोड़ दिया? नहीं वही तो कर रहे हैं, वही हुनर कर रहे हैं ना। इन्वेस्टर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं ना हमारे मुल्क में। दिक्कत ये है कि आपको कह रहे हैं काम नहीं चल रहा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इन्वेस्टर आदमी की कदर है। इनको क्यों मार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या धक्के दे रहे हैं आपको? 8,000 रुपए का बिल आया है, वो बता रहे हैं कि आप बताओ। मैं क्या बताऊँ, 3 माह का बिल है, देने के लिए पैसे नहीं निकल रहे। 1 महीने 25,000 आ गया, दूसरे महीने 24,000 आ गया। वो रिक्शे की स्क्रीन टूटी हुई है 3,000 की, वो डलवाने के लिए पैसे नहीं है। कौन सी स्क्रीन टूटी है? रिक्शे की, ड्राइवर रिक्शे का नहीं, वो विंड स्क्रीन सामने वाली। हाँ जी वो टूट गई। हाँ जी वो डलवाने के लिए 3,000 नहीं है, 3,000 की स्क्रीन है, वो डलवाने के लिए पैसे नहीं है। 8,000 का बिल आ गया हुआ है मेरे पास, मेरी जेब में है स्क्रीन का। कहते पैसे, मैंने 2 मोबाइल बेचे अपने, 1 90,000 वाला, 1 75,000 रुपए वाला, तब बिल जमा कराए हैं 6 माह पहले। कैसे इन्हें दूंगा मैं? ये गरीब को मारने के लिए बैठे हुए हैं, इनको खुदा का खौफ आना चाहिए। ये क्या करना चाह रहे हैं मुल्क के साथ? 3 माह में ये बिल दे नहीं रहे। विंड स्क्रीन कौन सी टूट गई? रिक्शे की, देख सकते हैं। हाँ आए जरा एक मिनट बताइए कि अब क्या इसका सिलसिला? ये है कि हमारे मुल्क में कारोबार नहीं है, जो पैसे वाला आदमी है वो रोटी खा रहा है, जो गरीब आदमी उसके पास तो रोटी भी नहीं है। विंड स्क्रीन सी बात है, ये देखा भाई, ये भी तुड़वा ली। कैसे क्या हुआ भाई? ये जी देखें, वो कैसे बेचारा गुजारा कैसे करेगा, चला ही नहीं सकेगा, सवारी नहीं बैठेगी। असल प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम क्या है जी? सवारी नहीं बैठ सकेगी, बैठती नहीं सवारी। वो कहती है क्या बैठी, ये तो उल्टा रक्षा है, एक्सीडेंट है, इसको कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्क्रीन नहीं है बस। किसी को बचाते बचाते ढूंढ गई, अब ये बिल दूं, स्क्रीन डलवाऊं, क्या करूं? गवर्नमेंट को कुछ जवाब दे सकते हैं आप भी? मैं इसके पास, मेरे पास मेरा कारोबार अच्छा होता, मैं अभी जा रहा हूं कहीं इसको रक्षे वाले को लेके जाता, अब मैं खुद वैगनों में जा रहा हूं, चिंगचिंग रक्षे पे जा रहा हूं। बड़ी जाती, कितने की स्क्रीन पड़नी है? 3,000 रुपए की। 3,000 भी नहीं है? 3,000-8,000 रुपए, वो बिल नहीं पूरा कर सकता ये 3,000। अच्छा आपकी जो जो उधर है बेसिकली आपने 61,000 इकट्ठा करना है, और फिर ये अगली बात है, फिर ये इसको देखूंगा, फिर देखेंगे।
मतलब ये आपके रेंज में है सारा, लेकिन वो रेंज से बाहर चला गया। क्या करूं बेसिकली? ये राजू मुझे बताएं, हल बताएं। तो काम निकाले मेरा को हैंडीक्राफ्ट का। क्या हाल है भाई? ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी। सेहत कैसी है? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अल्लाह पाक का एहसान है। क्या नाम क्या है? मोहम्मद माजिद। माजिद भाई सब सेट है? अल्लाह पाक का एहसान है, ठीक। कैसे चल रहा है चीजें, गुजारा कैसे? मांग रहे हैं। और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं होगा ना? नहीं, और कोई ऑप्शन? मांग रहे। और कोई ऑप्शन? कोई नहीं है, ये मांगने वाला ही है। बस दुदकार ही मिलती है फिर इस तरह तो? आप कोई प्यार से दे जाता है, कोई दुदकार देता है, हैं? जिंदगी मुश्किल है फिर आपकी? बड़ी बहुत मुश्किल हुई है। गुस्सा आता है जब कोई झिड़की दे देता है आगे से? नहीं, कोई जब बर्दाश्त कर करके करनी पड़ती है। अब आपको पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है जी। रात डला हुआ है, 3-4 मरतबा हॉस्पिटल में भी गया, वो भी नहीं सुनते। न्यू हॉस्पिटल में भी गया और रात डला हुआ टांग। गवर्नमेंट में से कभी कोई नहीं पहुँचा आप तक? रहते कहाँ हैं? मैं मुल्तान का रहने वाला हूँ, यहाँ पे फुटपाथ पे ही सोते हैं। फुटपाथ पे गुजारा? खाना पीना कहाँ से? सरकार के दर पे दाता साहब। उधर से सुबह दोपहर शाम वहीं से खाते जी? पैदल चल के जाते हैं या रिक्शा ले लेते हैं? सामने है बिल्कुल जी, पैदल ही फिरता हूँ। तो अभी चाय समोसे खाएंगे आप? इनकी मेहरबानी है, इन्होंने चाय पिला दी है। पूछ रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? जान लिया था। क्या हाल है? सब सर ठीक है? आप बहुत पॉपुलर है, आप बड़े आदमी हैं। असल में मुझे बताएं क्या नहीं था जी? क्या ये हुक्का कितने में इसे तैयार कर देते हैं? ये तो महंगाई को बेहतर हुई है, कहते शरह कम हुई है महंगाई की। हो रही है। क्या फर्क पड़ा है? हो रही है, कोई बिल कटाया है, कटिया फिर आया, फिर कटिया फिर आया, हूँ की करिए। ऐसे नून लीग ने वोट पाया, नून को वोट डाला, अभी ठीक काम है कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, सही कर, अल्लाह करें सही करें, अल्लाह करे गरीबों का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। महंगाई की शरह कहते कम हुई है, महंगाई आप शरह कम हुई है माशाल्लाह। आप समझते हैं, आप रोन लगाते हैं, आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, अच्छा प्रोग्राम है आपके, कभी आपको नजर आया कुछ? आप बताएं मुझे। बताना असल में आपने है, मैं नहीं बताना होता तो मैं घर बैठ के बता देता। स्पेशल आपके पास क्यों चल के आया हूँ? आपने बताना है। आपकी मेहरबानी, आपकी राय ही कंसीडर होगी भाई। आप बेसिकली ना टेक्निकल वो कह रहे हैं, इदारा शुमारियात कहता है कि जैसे कोई चीज़ बढ़ती थी तो पहले वो 30-35 रुपये बढ़ जाती थी, तो अब 10-12 रुपये बढ़ रही है, इस शरह को वो कह रहे हैं। ये नहीं वो कह रहे कि महंगाई कम हो गई या? यही लोग कहते थे जब कोई 1 रुपया बढ़ेगा, हमारे जो लीडर्स है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका दिल क्या होता था? डोलता था, यही बताते थे ना। अब क्या होता? अब नहीं डोलता। ये बिल पड़ा हुआ है मेरे घर का, आप देखें कसम से 15,000 रुपया बिल आया है। एक बत्ती जलाते हैं, एक बल्ब, एक पखा जलाते हैं, तो 15,000 रुपया घर का बिल आया है। क्या करें हम लोग? हम इसी जगह रह गए, बस सिर्फ पानी का बिल, गैस का बिल, किराया। हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताएं पहले आप। इन लोगों से पूछता हूँ, बताएं हम जाएं कहाँ? अल्लाह बचाए, परवरदगार अपने पनाह दे, वही चला रहा है निज़ाम, बस इन लोगों को कोई अल्लाह ही पूछे। करेंगे क्या भाई, हल क्या है? हल तो यही है, अल्लाह ताला इनकी हिदायत दे, परवरदगार इन लोगों को हिदायत दे। अब तो तौबा आ गई है इन लोगों से। आप कह रहे समझ नहीं आई बात, क्या करें है ना? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? आप सुनाएं सभी। क्या नहीं था जी, बच्चे किधर है सारे? ये बच्चे दोनों वलीद के हैं, आपका हर प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, ये दुनिया न्यूज़ आपका अपना चैनल है। आपका क्या नाम है बेटा? हाँ आयत। आयत नाम है? आयत मुझे चिड़ी उड़ी सुना दो। तुझे नहीं आता। अच्छा, जो आता है वो सुना दे। क्या आता है? चल सीधी हो, खड़ी हो, मछली वो सुना दो। मछली चलती रानी जी, वे सब आने वाला तो दादा जी बाय कर दो। अरे वाह जी वाह, क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत। क्या नहीं था जी? क्या बात नहीं था जी, क्या हालात ही बहुत खराब है। क्या हुआ? हर चीज बेरोजगारी बहुत आ गई है, कोई काम नहीं है, इस तरह के हालात आ गए हैं कि आपको बता नहीं सकते हम भाई, मजबूरी के तहत हम क्या करें। देखिए उन्होंने जज्बात का इजहार भी कर दिया। दुनिया चैनल हाई है आपका, अपना चैनल सुनाए नई ताजी बात। क्या महंगाई को कम कुम भी हुई है, कोई बेहतरी आई है या गरीब आदमी तो पीछा जा रहा है ना? गरीब आदमी तो पीछा जा रहा है, नहीं कुछ समझ आई? कुछ भी नहीं आ रहा, ना नून लीग आई, ना पीटीआई, कुछ भी नहीं आ रहा।
गरीब आदमी कुछ भी नहीं ना, मेरा तो ख्याल रोटी मसा पूरी होने डी, रोटी भी नहीं पूरी होती, इतनी महंगाई 150 रुपये किलो खंड हो गई, 150 घंटे हो गए, क्या सस्ता किया इसने, कुछ भी नहीं किया। बच्चे आपके कितने? हाँ जी बच्चे कितने आपके? 4 बच्चे। उन्हें पढ़ा पढ़ू भी रहे हैं या क्या? क्या पढ़ाना, 900 रुपया हमारी रोज की तनख्वाह है, दिहाड़ी है, जिसमें क्या पढ़ाएंगे, 900 रुपये में क्या पढ़ाएंगे आप? घर का बिल ही आ जाता है 15,000-14,000, क्या करें, कभी किसी से उधार पड़, कभी किसी से उधार पड़, ऐसे तो गुजारा होता है। आपसे मेरी मोहब्बत है, कभी मिले तो इंशाल्लाह। बहुत खुश रहे, थैंक यू सो मच भाई साहब, आपसे हो गई मुलाकात दोबारा। सुनाए तो क्या नई ताजी है? आज बताएं मुझे नई ताजी। नई ताजी मैं तुम्हें की दसा, दुनिया बड़ी परेशान, मैं भी परेशान, समझते हैं, सुबह उठो परेशानी परेशानी, रात में सोवो परेशानी परेशानी, कोई पुरसाने हाल नहीं है गरीब का। महंगाई पत्ती महंगी, तेल महंगा, की समझ हूँ, थोड़ा रिलीफ दिता ने तेल का, बत्ती बधाई जा रहे हैं, और दूजिया खाण पीन दीजा कोई ध्यान नहीं, वड्डा गोश्त की भा, छोटा गोश्त की भा, मुर्गा की भा जा रहा है, गरीब आदमी जरूरत ही है, गुर्दे पे बेचते हैं, मोटरसाइकिल बेचते पे, फ्रिजा बेचते पे ने, कांटे बेच दी पी, बुढ़िया यार की हो गया है, की समझ गल करने वाली, बस अल्लाह की जात ही है सोना, करो कि अल्लाह पाक पे बेहतरी। महंगाई तो ही जाती, इन्हें बिल आया जाते लोगों, गरीब तो मारा जाता पे, दर भी कमात लैवे तो 200 भरे मजबूर कर देने कि तुहाडी पार्टी की कर रही है। पार्टी से खुश नहीं आप? पार्टी तो खुश तो है, कुछ करन तो सही, समझ कुछ फिर खुश किस बात के आप? नहीं नहीं मतलब पार्टी को वैसा बन, ये सानू समझ लो टीका लगाया है पार्टी का, हालांकि सानू मफाद कोई नहीं, मुहब्बत है ना, किसी भी की, किसी की भी अपनी को कोई फायदा नहीं लिया है। तुम अगर भी दसिया मैंने मियाँ साहब ने नौकरी दी थी मेरे इलाके के कौंसलर ने, उस पार्टी मियाँ साहब के सामने इतने तो हकदार हक मिलता ही नहीं फाइल, मैं अज तिकर नून लीग दा वहाँ, मैं फिर भी मियाँ साहब दी, मियाँ साहब बड़े दहीन आदमी ने दोवें ही, लेकिन यार गरीबों वास्ते तो कुछ करो, मेरा तो रोना ही है कि गरीबों वास्ते कुछ करो, खान पीन दे जो कुछ है थले लिया, हूँ कराची का की हाल है, मैं फिर तुम कराची का कहंगा बड़ा मंदरा हाल है, पानी नहीं है, लोग मुल लैके पानी पी रहे हैं, उत्थे समझ आई जाए गल, इतने की है इतने और मुल्क है, ये कह रहे हैं कि कराची के हालात बस खराब है और यहाँ ठीक है, इन्ने हुक्मरान सब चोर डाकू, इतने रब खमीनी वगैरह पैदा करे, समझ आइए, ते बस करजे ले जाते हैं, मारे बंदे को करजा देंदा कितने जाने, इन्हों अपने ढिडा ही घर चढ़ जाने, मुर्गी की भा है, बिजली के बिल हर बंदा रोंदा पे, जम इन्हों की जान रोंदे पे ने लोग, इन्हों की गैरत सुती पई है, ये कह रहे हैं कि कराची के हालात बस खराब है और यहाँ ठीक है, भाई इन मरियम साहब ने कौन माल लाया है ना, इस तरह के वो है नहीं, ये अच्छे अच्छे चाचा इस तरह का है नहीं, चाचा नहीं है तो फिर चाचे नु इथे नजर नहीं आंदा पिया, की किया जी मैं, नहीं जज्बाती ना हो वैसे ही आओ, नहीं मैं तुम्हें की दसया, वो आप सही, आप इनको भी बताएं, वो मैं आगे कल पे आगे दाल की पाए, गोश्त की पाए, आटा की पाए, घ्यो की पाए, ए उस लोग तो हट गए ए कराची नु यार की सिर पीड़ेगी है, कराची ने इन्होंने नौ वाला काम किया है, पानी मुल लैके पी रहे ने पानी कराची वाले, समझ आई जे गल, इतने भी मुल लैके पीते वाटर मुहत आंदा वास्ते, जे मुर्दा नुआना ना तो भी परेशान ने, मुल लैके मुर्दा नुआना उन्होंने, अभी इतों तो इतने भी हालात खराब ने, लेकिन कराची के बहुत हालात खराब ने, बहुत ज्यादा, क्या कह रहे हैं सर? ये सही कह रहे हैं, हालात तो वाकई बहुत खराब है, कारोबारी हालात भी खराब है, वो यहाँ के नहीं बता रहे, वो कराची के यहाँ बैठ के बता रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब, महंगाई की शरह में कोई कमी आई है तो उससे फर्क क्या पड़ा? नेवर एवर, महंगाई उसी तरह है, अगर पीछे से 1 रुपये बढ़ता है दुकानदार 2 रुपये पर आता है, क्या है जी नून लीग की हुकूमत है, फलाने की हुकूमत है, फलाने की हुकूमत है, हम लोग खुद गलत हैं, खुद महंगाई करते हैं, पीछे 1 रुपये बढ़ता है आगे 2 रुपये बढ़ते हैं, गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है, जो
छोटे दुकानदार हैं उधर आके चलान करके चले जाएंगे, 5-5, 10-10 हज़ार रुपया फाइन करेंगे। मंडियों में नहीं जाते कि मंडी वाले महंगा क्यों बेचते हैं, मंडी वाले महंगा बेचेंगे तो छोटे दुकानदार भी महंगा ही बेचेंगे, तो महंगाई कंट्रोल नहीं है। हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है, अवाम तो मर रही है, पिस रही है, गरीब आदमी तो बहुत ही पिस रहा है। ये सही कह रहे हैं बातें, जो बातें कह रहे हैं ना बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ये जहाँ पे महंगाई इतनी है, घर से 20 रुपये का निकलो तो दुकानदार आगे 25 रुपये की चीज़ देता है, वो 5 रुपये कहाँ से ला रुकड़े, और घर से 30 लेके वो दुकानदार 40 की देता है, वो 10 कहाँ से लाए। वैसे मसला है, घर से 50 रुपये लेके आओ दुकानदार 60 रुपये की देता है। एक दिन मेरा दोस्त आया भी सुनियारे का कम करता, वो कहता सुनियारे काम का दिवालिया निकल गए है। मजमा सारा जो है ना इन्होंने उस पर काला जादू किया हुआ है, किसी को बोले नहीं दे रहे। ठीक है जी, बंदा भी है ये, क्यों कि साड़ी मरियम बीबी मरियम साहबा सी ना जिसले आई सी ना, तो कहती सी मैं बिल फाड़नी है तो मैं खून दे आंसू रोनी हाँ। मैं उस दिन उन्होंने कहा, मैं 40 साल का वर्कर हाँ नून लीग का, उदो जो जुनियाजो साहब वजीर आजम से वही वजीर आला सी, तो नवाज शरीफ साहब वजीरे खजाना सन उसले, मैं क्या मैं उदों का वर्कर हाँ अपने प्यो का, ये कहती मैं बिल फट के तो खून दे आंसू रोनी है। मैं क्या इन्ने क्यों रोने, इन्हें सानू रो आज तक 40 साल के वर्करा 10-10 हज़ार का बिल लगी तो हुई है, काम कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, और रिलीफ दी भी 2 महीने उन्होंने बिलों पे। मेरा ख्याल है बिल जी उधरों कट देंगे, गैस ही पा देने की रिलीफ है, वो कहते 202 एक यूनिट उत्ते हो तो 6 महीने वही बिल पाते हैं, वो कि जी फ्री है। थोड़ा टाइम भी देना चाहिए वजीर आला को, टाइम देते होर कि टाइम साढ़े वजीर आला साहब को, मियाँ नवाज शबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम साहब साढ़े कोई उन्होंने भी कोई तुम ले जाते हो पैसे, वो कोई आवाम का कोई सोचा जे यार दसो कुछ आवाम का सोचा, तो सानू भी पता लगे साढ़े वर्करों का आवाम को कुछ दिता है। दाल हूँ चनिया की 400 रुपये किलो जे कोई ना, चनिया की दाल 400 रुपये किलो जे, सब्जियां कितने ने, सौदे कितने ने, गरीब आदमी कितने जाएगा, कि गरीब आदमी को दिता है भूख कि लिया तुम तरस के मर जाओ भुखे। वर्कर सानू कदे इन्होंने बुलाया नहीं, सरमायादारा वड्डिया समझते सियासत जे सारे इलाके के पैसे वाले, असं जनूनी वर्कर हाँ पागल हो गए 40 साल तो साढ़ा कि 10 रुपया आला, उन्होंने पता भी है अभी कि रुपये लाने साढ़े चैनलों के उत्ते, हर बंद बोलने बुलाने, लेकिन अपने मुस्लिम साल भी साढ़े हल हल होने चाहिए ना। अभी स्कूटरियां वंडियां होर कुछ वंडे ने, गरीब आदमी या वर्कर लिए अजकल अज तक की किया वर्कर, बच्चों ने स्कूल जाना होता है जिनके मैं बच्चे उठा लेते हैं पंजे ही, मेरे वसैल ही नहीं कि मैं चने चिकर चने इतने लाना, मैं रोटी खुआवा या बिल दया, इन्होंने जुलम साढ़े ना होने ने जड़े के या तो दसन अज तक किसी वर्कर का सोचा ने कि वर्कर लिए किया, एडा बेहतरीन वर्कर मर गया की आदा ना ग्वाल मंडी का, एडा वड्डा वर्कर दी हो सकता मैं किसी तरीक ना गया वा, वो हर तरीक से गया, उन्हें कोई तरीक नहीं मिस की, मर गया तड़प गया कि गरीब मेरे वर्कर का मैं सारा रुपया ताड़ते ला दिता, मेरा तो कोई सोचो उस गरीब का नहीं सोचा वर्कर का, वो को कम से कम घर गए कोई 10-20 लाख उन्होंने दे के आओ बच्चों आप जो मर गया हो सकता भिजवाया हो आपको ना पता कितों जाके बीवी को पूछ लो। एक गल तो अमल होया किराए का मकान किराए की दुकान तीवियां की रोटी तीवियां का नान थले आया वो काम की समझते जी सर वह तो थोड़ा नजरसानी इन्होंने की है गरीबा से 15 की रोटी है गरीब आदमी कितों खाएगा15 रुपये गरीब आदमी जाएगा सब्जी तो कोई दाल ले लो सब्जी ले लो 200-300 तो घट रुपए किलो तो घट नहीं कि गरीब आदमी पकाएगा तो की खाएगा मेरे वर्गा जिन्हें 3 किलो चने बेचने मैं एडा वड्डा वर्कर हाँ इतने 100-100 बंदे ने मुतक्का लाया PTI देना कल्ले नहीं सारी दुनिया को पता है यहो जे वर्कर इन्हों कितों लभने ने तो जो उन्होंने ही है बुरा हाल हो रहा है निकी जी मेरी झोंपड़ी है तो बिल 10-10 हज़ार का आ रहा मैं कितों उतारांगा सेल बट मेरा ना है हमदा साहब न पता है वो कुछ काम भी करते थे मरियम साहब लैके बह गई क्या आपको दिक्कत है मरियम साहब से दिक्कत नहीं गई एनू चाहिए सी बिल बिजली के बिल गैस के बिल सस्ते करने आवाम सुख मिले इन्हों हटा कोई नहीं सकता 100 साल
काम गरीब आदमी का कुछ सोचन साहब गरीब का कुछ सोचन महंगाई से कंट्रोल कर बत्ती से कंट्रोल कर तरफदारी नहीं की पार्टी मेरिट पर बात कर रहे हैं मैं की कह रहा अज बिजली घटा देन गैस घटा देन गरीब न सुख मिले आपे इन्हों का गुण गाए जाते हैं हर पास ला रहे यार लोग परेशान है सिलेंडर चुकी फिरते हैं यार की हो गया यार कि मारना जे गरीबों बिल दे रहे हैं गरीब गैस नहीं आ रही अजय गर्मी है सर्दी नहीं आई सर्दी नहीं उसलो नहीं गैस आनी सामने मेरा दो दी दुकान मीटर लुवाता मेरा बिल नवाशी की जो पहली हुकूमत सी 18 तो पहले उसले बिल 80,000, 85,000, 70,000 बिल सी फिर हुकूमत आई ये 2,60,000 से चला गया 2,80,000 से चला बच्चे मैंने सारे उठवा लिए हाँ जी स्कूल से बिल्कुल कब कब जी क्या हुआ था मेरा बच्चा हूँ 10वीं का इम्तिहान देना थी मेरे को वसैल ही नहीं कहते मैं बच्चे कितों पढ़ावगा मैं क्या पुत्र तो रहने 3 पेपरों तो फेल हो गया तो तू छड़ दे बच्चियाँ मैं पहले उठा लेतियाँ सी मैं रोटी कमा के बच्चों खुवावगा कि मैं इन्हे पासे जावगा दसो जहाँ तो होने कोई भी हर वर्कर लिए कोई बड़ा कोई फंड रखे है वर्कर की कोई वैल्यू नहीं अच्छी करके आ स्कूटरियाँ वंडते हैं हर चीज़ वंडते हैं गरीब वर्कर लिए कुछ नहीं गा उसले जो नौकरी मिलने लैनी हो मैरिट आ जाता चले स्कूटरियाँ भी स्कूटरियाँ भी आवाम कोई गई है ना ना जी ना अच्छी बात है वो भी नहीं नहीं वो MP MLA का कोई लगातार जो वे लोगों के हाथ पैदा उन्होंने मिलती है दसो अच तक किसी माड़े को मिली किसी माड़े को मिली मियाँ साहब के सामने मेरे को फैल पड़ ली पौसल ने मेरे क्या वो क्या बात हुई अल्लाह मेरा गुआ है मैं अल्लाह नु बादशाह हाजिर नाजिर जान के कह रहे हैं मैंने मियाँ साहब ने नौकरी दी मियाँ साहब जीवन जागते हैं याद होगा उन्होंने पार्टी चौंक ही खाड़े से तो मैंने उन्होंने फैन मिली तो लिया फैल से तो उस वे सियासी बंदा मेरे इलाके का है अच्छ दुनिया से नहीं गया उन्हें उस फैल पड़ ली मैं 40 साल का वर्कर हाँ अज तकर मैंने दसन को नौकरी लीती कोई चीज़ आओ कोई चीज़ इन्होंने मैंने दीती हो 40 साल ही नौकरियां आदि तो जोड़े वेले ने जोड़े नहीं कम करते उन्होंने नौकरियां लग जाए और जोड़े मेहनत हर जगह तो लड़ते हैं मरते हैं टक्कर लेंदे ने वो पासे बैठे ने तो जोड़े दूसरे होंगे ने उन्होंने चैक भी दे देंगे ने हर चीज़ भी दे देंगे नौकरियां भी देंगे वो ये भी पूछा जो कि वर्कर साढ़े तो जान भी देता है वो भी कुछ करिए कि करिए कि बच्चे वेले फिरते पे ने कौन नौकरी दे दईए गल नहीं गई PTI का जलूस आता रहे नवाशी के नारे लाता रहे असं हलफन कह सकने इस चीज़ का हाँ जी बिल्कुल पूरा मुतक्का लाया चेयरमैन है यहाँ का मैं मुस्लिम लीग नून का लेबर विंग का सदर हूँ यहाँ ये बड़ा नून अपने अपने गवर्नमेंट से थोड़े नाराज हैं मैंने इतने काउंसलर भी बनाया मेरे को नोटिफिकेशन भी है पर करना नोटिफिकेशन जो बच्चे भी वाकई मारने छोटी जी मेरी झोंपड़ी है घर जाके देखो बिल के अरे हूँ गैस का तारे 10,000 रुपया मैं की बालना पिया एक चूल्हे घर का जाके चेक कर ले 10,000 रुपया बिल बिजली का पिछला 9,000 तारे अगो फिर उतें जाओ तो कर देने बगैर लिखे भेज देंगे ने बिल कह देने तारो कोई इंतजाम नहीं है अंदरून शहर में सफाई वाले जो दरोगे हैं जो जड्डो हैं पैसे खाते हैं आप नालियाँ देखो बंद गलियों में कचरा देखो मकसद वो कहते हैं हमारे पास अमला ही नहीं है अगर हम कहें PTI का काम करना दूजा आवामदानी करते हैं सफाई उधर सवेर में बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं तो 9 बजे आते हैं हल्की लिखी उत्तों झाड़ू मारिया होके क्या हालात हैं एवरीथिंग इज फाइन गुड सेहत अच्छा है बहुत अच्छा शुक्र है अल्लाह का बेहतरी आई कोई हालात बेहतर हुए या जब हम बेहतर होंगे फिर हालात बेहतर होंगे जब पॉइंट है भाई जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरे को देखते रहते हैं तो कभी दुरुस्त नहीं होंगे हम क्रिटिसाइज करना तो बड़ी इजी है अमल से बात बनेगी तो चलो मैं इलामा सही कह रहे हैं बुजुर्ग साढ़े कि असी गलत हाँ जड़े वोट पा जाने असल गलत असी हाँ ना वोट पाइए दसो इतने तुम कई MPA गुआ को रोटी खाने को नहीं होंगी इसलिए अरब रुपया मालक ने वो कितों आया कहीं गरीब का सोचा जे जे इसलिए व्डे अहद्या बैठे ने इन्होंने को रोटी खाने को नहीं हमारे वोट लेके हमारे ऊपर ही वो लोग बनबाशी करते हैं जो MP MLA बन जाते हैं गरीब आदमी को पूछते नहीं है बिल्कुल वो कहते हैं गरीब होता कौन है असं इन्हों के वर्कर हो गए नून लीग दे फायदा देंगे ने अमीर गरीबों की देंगे सब जो प्लाट जो कुछ भी प्लाटा का ऐलान कर छे अमीर आदमी का कि जिद को प्लाट होएगा तो उन्होंने देना जो 15 लाख रुपया उन्होंने देना ना जिद को प्लाट होएगा प्लाट गरीब आदमी को कितों आया ये देना इन्होंने अमीर कोठियां साहब दो गल मेरिया तरह एक मिनट सुनिया
इन्हों की पता गर्मी की है। बेवकूफ है कि जेड़ा वोट इन्हों दिंदा ते जेड़ा इन्हां दे नारे मारदा, यकीन करो भावें नून लीग भावें पीपल पार्टी भावें पीटीआई बिल्कुल बेकार लोग ने जेड़े इन्हां नूं वोट देंदे ने, निकम्मे लोग ने। सियासत इत्थे पाकिस्तान ही खत्म कर देनी चाहीदी, सियासत खत्म होई सियासत सिर्फ लुट्टण दी इन्हां दी, होर कोई काम नहीं गा। महंगाई अभी हुई है, किसी भी फौजी हुकूमत में इतनी महंगाई हुई है, आप तारीख उठा के देख ले। मैं 34 साल मुस्लिम लीग नून के साथ हो गए, मुझे 44 साल मेरी उम्र है। मिसवाक बेच रहे हैं जनाब, अवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जो है ना मिसवाक ले, मेहनत करते हैं हम अपने हाथों से, कमाते हैं और खाते हैं खिलाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। इनका कोई बच्चा बीमार हो जाए, खुद ये बीमार हो जाए तो ये सीधा लंदन भाग जाते हैं, इधर को पूछने खींचने वाला नहीं है। वो पीछे घी की दुकान है, एक परचून की दुकान पड़ी हुई है, उधर जाके वो घी हम खा रहे हैं, जो यकीन करें नीरज, मैं कहता हूँ नीरज कैंसर है वो, कैंसर क्यों, कैंसर की बीमारी क्यों आम हो रही है, इसी वजह से म्यार नहीं है घी के अंदर, बिल्कुल म्यार नहीं है। वो घी खा रहे हैं हम, जो घी 100 रुपये में कोई नहीं लेता, वो हमें 500 में लेना पड़ रहा है। कभी जिंदगी में कचहरी नहीं देखी, अब वार्डन ने मैं जलील किया अच्छे 4 बजे, हैं 2000 रुपये का चलान तो कहना पे 5000 का चलान करांगा, 2000 जेब छुपा। वार्डन की कह रहे हैं 2000 रुपया, यह दरखास्त लिखो। मैं दरखास्त हाँ हाँ 1000-1500 रुपया लाए हैं, तो मैं उन घर डर देने जा रहा था। वाकया वाकया सुनाए वो, कि मैं ना भांजी को लेने जा रहा था काली से। सुने जी वाकया सारा। सर मेरे पास हेलमेट नहीं था, गलती मेरी है, वायलेशन मैंने की है। वो 3 बजे छुट्टी हुई है, तो 4 बजे ना मैं काम में मसरूफ था, मजदूरी करनी है, वो दुकानदार ने छुट्टी नहीं दी, छुट्टी नहीं दी। 4 बजे छुट्टी मिली है, लेने गया हूँ, उसने मुझे रोका है, मैंने रोक दिया है, कहता है चलान करना है। मैं कह यार चलान ना कर, तेरी मेहरबानी 200 का कर दे, मैं दे देंगे। कहता 5000 का चलान, चुप करके 2000 रुपये जेब छुपा, नहीं तो 5000 दे। मैं कह नहीं दुनिया लंघ दी भी सारे रोक, रिश्वत मांगी। हाँ हेलमेट का तो इन्होंने एक ना रखे है, किसी गरीब को नहीं हेलमेट हों, कितों पाएगा 2000 रुपया जुर्माना, कहदा जुर्माना है, और खुदा का खो कई बीमार ने, बीमार हेलमेट नहीं पा सकता। ये परे मैंने दरखास्त लिखी है, मजबूर हो गए, हम वाइट कलर आदमी हैं, कभी जिंदगी कचहरी नहीं देखी, आज किसी को पूछ के सीटियो का दफ्तर गए हैं, किसे दरखास्त लिखवाऊँ, ऐसे ना मैंने ये काम किया है। फिर बना क्या बना, सवेरे जाना है और उसने सुबह आना, पाबंदी इन्हों खत्म कर देनी चाहिए। किसी गरीब है, कोई है बीमार है, कोई शुगर का मरीज है, हेलमेट नहीं गा कितों पाएगा, किसी की नजर नहीं के ज्यादा मुझे चोर टिकटा की सेफ्टी है, बंदियां दी सेफ्टी नहीं गी। एक मिनट भाई मैं बताता हूँ, उन लोग की एक लिमिट है भाई, तूने 30 चलान करने हैं, क्या नजायज करो जो नहीं। हेलमेट बड़ा जरूरी है सेफ्टी के लिए, तो बड़ा जरूरी है, लेकिन उनका मुद्दा कुछ और है। अब मुझे बताएं, आप कुछ और कह रहे थे, आप मुझे बताएं क्या कोई बेहतरी की है तवक्को आपको? खुशहाली चाहिए, खुशहाली मुल्क में चाहिए, वो कैसी आएगी, वो तब तक नहीं आएगी जब तक ईमानदारी नहीं चलेगी। मेरा ना घर का मीटर लट गया, 3 महीने का मैं बिल नहीं जमा करा सकया, 60,000 रुपये बिल भेजे, तो वो मेरे को ब्लैकमेल कर करके पैसे ले जा रहे हैं। कैसे ब्लैकमेल कैसे कर रहे? मीटर लादा पैसे ले जाता, मीटर दे दिता, वो करते करते इतना 60,000। इस कॉल में क्या बात हो रही है? ए मीटर दी क्या बात हुई बताएं? उन्हें कह कि मैं 4,000 रुपया 6,000 रुपया दे, तो मैं तेन मीटर दे देना। मैं कह मैं तेन 4,000 देना, तेरी मेहरबानी मीटर दे देना। ये रिश्वत के पैसों की डिस्काउंट? हाँ जी। उठे केड़ा बंदा पाहे मंगदा? सलमान, सलमान कोई होएगा उठे को? सलमान भी, हाफिज भी, सारे उठे के चटे ने, को चटे के सारे जने। किस ऑफिस में? वापटाले क्रीम पार्क वाला। छोटा कहंदा है, वड्डा कहंदा नहीं, रिश्वत नहीं लेनी, अंदर दिखा दे कहंदे ने, ओए
तमीज कर तमीज कर नौकरी तो निकले पैसे खांदा खांदा वो अपने वर्करा ने मुलाजमान लगी जाते कि तुम चोर हो वो आप ही चोर निकला एस डी ओ हूँ एस डी ओ बी को गया जे नौकरी तो पैसे लगा हाँ हाँ जी वो रुकते ही नहीं आप कहते ने इतने तार ला लै दूजे दिन दूसरे ने भेजते ने रेड कर दे पंजा हजार रुपया वो गरीब कितों देगा लख दो लख आप ही उन्होंने गरीबा मुड़ के दे पैसा नहीं मीटर ला लेंगे ला तेन दो लख रुपया चम जो दावे करता है वो बिल्कुल ठीक होंगे लेकिन लोगों के जो बेसिक मसाइल हैं वो अब कुछ और हो चुके हैं। लोग जो अपनी राय दे रहे हैं वो हो सकता है जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं उनके साथ मुमासलत ना रखती हो लेकिन इनके कोर इशूज़ हैं और इन तक अगर गवर्नमेंट नहीं पहुंचेगी इदारे नहीं पहुंचेंगे तो इनकी परेशानी में इजाफा होगा। फातिहा वास्तान को इजाज़त दीजिए अलग के बाद।